नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में लगभग साल भर पहले सबसे बड़ा जमीन फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें भूमाफिया ने नहीं बल्कि पत्रकार जगत को बदनाम करने वाले कथित संवाददाता विलास जांबुलकर ने करोड़ों रुपए की जमीन का फर्जीवाड़ा किया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा समाचार एक्सप्रेस ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकाल कर किया है। समाचार एक्सप्रेस के संवाददाता प्रणय अग्रवाल ने सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार जमीन का वास्तविक क्षेत्रफल 5000 स्क्वायर फीट है और यह जमीन वर्ष 1972 से 2012 तक शेख वजीर पिता शेख अंजुन निवासी डोंगरगढ़ के नाम से दर्ज है। इसी जमीन को वर्ष 2012 में तहसील न्यायालय डोंगरगढ़ में फर्जी प्रकरण चलाकर तत्कालीन कार्यभारित नजूल निरीक्षण ताराचंद बागड़े एवं तत्कालीन तहसीलदार सुंदरलाल धृतलहरे के द्वारा विलास जांबुलकर एवं अन्य के नाम पर दर्ज किया गया, बल्कि उसके क्षेत्रफल में भी छेड़छाड़ कर उसे 1,35,036 स्क्वायर फीट कर दिया गया है, जो वर्तमान तक दर्ज है। मामला प्रकाश में आने के बाद तत्कालीन SDM प्रेम प्रकाश शर्मा के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए एक जांच टीम गठित की गई, जिसमें 2 राजस्व निरीक्षण एवं 1 नजूल निरीक्षक को शामिल किया गया है। इस मामले में 2 प्रकरण तैयार किए गए हैं, जिसमें 1 प्रकरण बड़े हुए क्षेत्रफल 1,35,036 स्क्वायर फीट को वास्तविक क्षेत्रफल 5,000 स्क्वायर फीट में परिवर्तित करने का है। वहीं 5,000 स्क्वायर फीट के लिए शेख वजीर के वारिसानों द्वारा दायर अपील प्रकरण चलाया गया। जांच के बाद नजूल निरीक्षण रतिराम साहू, राजस्व निरीक्षक अशोक राजपूत एवं वीरेंद्र साहू के द्वारा 26 जून को तत्कालीन SDM प्रेम प्रकाश शर्मा को जांच प्रतिवेदन सौंपा गया। आपको बता दें कि SDM शर्मा का स्थानांतरण होने के बाद उनके स्थान पर नए SDM अविनाश भोई व तहसीलदार अविनाश ठाकुर आए। उन्होंने मीडिया के द्वारा ध्यान आकर्षण करने के बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया। लेकिन इसी बीच नगरपालिका जनपद का चुनाव आने के कारण कार्यवाही में विलंब हुआ। जैसे तैसे चुनाव से उबरे ही थे कि यह कोरोना काल आ गया। लेकिन SDM अविनाश भोई व तहसीलदार अविनाश ठाकुर ने आश्वासन दिया था कि लॉकडाउन के बाद विलास जांबुलकर सहित तत्कालीन RI ताराचंद बागड़े व तहसीलदार सुंदरलाल धृतलहरे के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। बताते चले कि यह जमीन थाना चौक से बोर तालाब जाने वाले मार्ग पर स्थित है, जो 2 राज्यों को जोड़ने और मुख्य मार्ग है। ऐसी जगह पर जमीन का मूल्य अधिक होता है। यदि हम 1,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से भी तुलना करें तो 1,35,036 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 13,50,036,000 रुपए होती है, जबकि बाजार दर इससे 3 गुना। डोंगरगढ़ से संवाददाता देवेंद्र गौरले की रिपोर्ट। पिताजी उनके कितने बच्चे थे? 4 बेटा 2 बेटी। आपके पिताजी के कितने भाई थे? 4 भाई हो आप? 4 भाई और 2 बहन है। कौन? थोड़े से काम ये होता है, पेश में आता है। एक मिनट भाभी को आ जाता है, पूछ रहे भाजी बताते जाओ क्या बोलना है। औलाद के बारे में पूछ रहे हैं। शेख वजीर कितने भाई थे? शेख वजीर के कितने बच्चे थे? शेख वजीर के 4 बेटे और 2 बेटियां थी, और एक जो इकबाल का जो दिलावर करके लिखा हुआ है ना, उसके हमारे ससुर वो लड़की को ले आए थे, उनको पाले थे। लेकिन गोद वगैरह में नहीं था, मतलब पाले थे उनका, बच्चे को पाले थे। कुछ नहीं है ना, तो उसका 4 बेटे और 2 बेटियां।
चार बेटों का क्या नाम है? चार बेटे में, चार बेटों में मरहूम शेख रमजान मतलब स्वर्गीय है, मरहूम शेख रमजान और फिर मरहूम शेख। अब उसके बाद आएगा शेख बब्बू, उसके बाद शेख शेख परवेज उर्फ बब्बू। परवेज लिख लीजिए, शेख परवेज का परवेज ना है ना भाई। बेटियों का नाम है जोहरा दी, एक लच्छी भी। लच्छी बाई उर्फ नसीमा, लच्छी भी है, लच्छी भी नसीमा लिख लीजिए, उर्फ नसीमा। घर में लच्छी बोलते थे, नाम उनका नसीमा है। क्या है पट्टा? पट्टा अपने पास नहीं था, ये अपना जो टेक तो जल गया था ना, वो था। और ये जो नवीनीकरण के लिए जो शेख रमजान के दो लड़के एक लड़की 85 का, 85 में आवेदन आने पे फिर आप लोग मिले नहीं क्या आकर के एसडीएम साहब से? मिले थे जी, आते क्या भी थे उसमें? हमारे से पैसे ही नहीं आता था, उसमें पैसे हमारे ऊपर पैसे हमारे सेट जल के खत्म हुए थे, उसी दरमियान पट्टा जल गया था। अब फिर उस समय ना अज्जू के तीन लड़के एक लड़की, दो लड़के ही। तीन लड़की दो लड़के अपन जानकारी तीन लड़की जो है ना दो लड़के बस वही मेन बच्चा मेन शेख रमजान दो लड़के की लड़की जी। तो एक वर्तमान में नहीं है, एक लड़का है जीवित, तो एक खत्म है चुका है जीवित जी हाँ, एक स्वर्गीय है, वो है। पता करवाएगा तीन बेटे हैं, वो भी दो बेटे हैं, दोनों कभी आपको जमीन के बारे में बताया? पिताजी क्या थे, बच्चे छोटे थे, हम लोग छोटे थे, उसी दौरान उनके पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया समझ लो, कुछ बताने ही नहीं पाए थे। सिर्फ हमारे यहाँ मिस्टर थे ना, उनको थोड़ी बहुत जानकारी थी कि हमारा जमीन यहाँ पर है करके। क्या उम्र थी आपकी? समय मेरी उम्र थी लगभग वही 10-12 करीब रहा हूँ। जब वो इंतकाल हुए तो अभी 18-20 साल के रहे हैं भैया, वो 20-22 उनकी शादी 84 में हुई थी हमारी शादी, उसके अनुमान के अनुसार में वो वैसे रहे हैं 20-22। उनको बताया था? हाँ उनको जो है हल्का मतलब उनको पिताजी बता रहे हैं कि बस छोटे थे उनको बताए थे हमारे पिताजी कि हमारी जमीन यहाँ पर है, यहाँ पर नाके के पास जी। हाँ उनको बताए, और ना उस समय वो ना अपना कुटा वगैरह लगाए भी थे वहाँ पर। कौन बोलेगा देख लो, उसको लगा दो। नहीं दोनों बोल रहे हैं ठीक है, चालू कर दिया। मैं प्रणय अग्रवाल लगभग 20-25 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी जानकारी में आया कि एक कथित पत्रकार विलास कुमार जांबुलकर जो पूरे मोची पारा वार्ड नंबर वार्ड को अपने नाम पे करवा लिया है, अछोली का रहने वाला है, और उसका खसरा नंबर जो यहाँ डोवर में जो उसने जो चढ़वाया उसका नंबर है 405 नंबर, वो 5000 वर्ग फीट थी, शेख वजीर के नाम की थी, उसके वारिसान भी जिंदा है यहाँ पर, और अपने नेतागिरी पर कांग्रेस का नेता था, बाद में उसने अपने इस कृत्यों को बचाने के लिए पत्रकारिता का सहारा लिया, उसके बाद उसने अधिकारियों पर दबाव डालकर इस प्रकार का कृत्य किया है। आपने आवेदन कहाँ दिए? मैंने आवेदन राजनगर कलेक्टर को दिया है, विधानसभा में लगाने के रिजवान अग्रवाल को दिया है, लोकायुक्त को दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया है। जमीन का सरकारी वैल्यू कितना रेट? जमीन का सरकारी वैल्यू लगभग 3-4 हज़ार वर्ग फीट है। और रेट कीमत कितना होगा? अगर वो 1,35,000 वर्ग फीट बनाया है उसके हिसाब से लगभग 27-28 करोड़ रुपये होती है उस कीमत, और टोटल नजूल भूमि है, और अभी तक वो कब्जे में करके रखा हुआ है, कई सारे प्लाट को बेच दिया उसने,
और एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हुआ है उसको लगभग 8 लाख रुपए में उसने बेच दिया है। नजूल की ज़मीन को सरेआम बेचे जा रहा है और शासन जो है मुख दर्शक बनी हुई है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई अभी तक कुछ हुई नहीं है। मेरे हिसाब से तो तुरंत उस पर शासन उस ज़मीन पर कब्जे कर अपने हाथ में लेना चाहिए था। सदस्य का नाम करवा लिया है, ये समस्या पहले लगता है कि ऐसा कैसे हो गया कि किसी भी प्रकार से रहने वाले अछोली की है तो डोगर में की जमीन कहाँ से आ जाएगी, यही बात है। ये जांच का विषय बनता है और इस पर जांच होनी चाहिए। मैं भी मेरा जो अभी वर्तमान में जो पेशा है विगत पिछले 7-8 साल से पत्रकारिता जगत में हूँ, इसमें मैं अभी सुबह का प्रहरी और DNA न्यूज़ चैनल का संवाददाता हूँ और सुबह का प्रहरी प्रतिनिधि हूँ। मैं अधिकारी से गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस पर निष्पक्षतापूर्वक जांच करें और जो दोषी को जो दोषी है इसमें उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसकी वसूली भी की जाए। फर्जी तरीके से लोगों को बहलाया जा रहा है, मोटी रकम देने के एवज में मतलब बहला फुसला करके उनको शांत भी कराने का बात सुनने में आ रहा है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे में मेरा प्रशासन से अनुरोध है। मैं स्वयं इस वार्ड का निवासी हूँ और जागरूक पत्रकार हूँ। पत्रकार का काम है समाज को दर्पण दिखाना, सही गलत को बताना, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि इस मोहल्ले में रहने वाले जो हरिजन भाई लोग हैं, अदर कास्ट के भाई लोग हैं, सभी हैं, सब कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको गुमराह करके इनसे उल्टा सीधा काम भी साइन वगैरह दस्तावेज वगैरह में लिया जा सकता है, इसका भी अंदेशा है। तो मैं ये सारी चीज़ को मतलब मोहल्ले वासियों के सामने की भी जो है शासन को इंक्वायरी करना चाहिए और इसका जो है पूरा अगर गलत किया है तो इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आपका तहसील नंबर क्या है? 405। इसमें संलग्न किया ना 3 एकड़ और उसमें कैसे संलग्न हो गया, किसने बेचा, किससे खरीदा, कैसे? हमारी जमीन तो 5,000 वर्ग फुट है, ना नीचे है ना ऊपर है। 3 एकड़ और 10 डिसमिल को कैसे अपना कैसे परिवर्तित किया 3 एकड़ 10, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। शासन से हमारी ये मांग है और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे इतना बड़ा परिवार है, आज हमारे बच्चे जो है हम उनको मकान की जरूरत है और ये हमको कमजोर देख कर ही दबा रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.